फिर मैंने इस्लाम के बारे में जानने का प्रयास किया। मेरे पिताजी यूनियन लीडर थे, मेरे बाबा जी कांग्रेस के नेता थे आजादी से पहले, तो हमारा मुसलमानों में, मैं खुद समाजवादी पार्टी में था यूपी में, तो हमारी बैकग्राउंड में मुसलमानों से बहुत दोस्ती थी। बड़ा आसान रहा मस्जिदों में जाना, मदरसों में जाना, कुरान पढ़ना। कुरान जब मैंने पूरी पढ़ी तो मुझे ये लगा संजय भाई कि मुसलमान इस वाहियात किताब पर विश्वास नहीं करते होंगे। जैसे हमने, मैंने गीता पढ़ी नहीं थी, मैंने अपने धर्म की कोई किताब पढ़ी नहीं थी, तो मुझे लगा इस वाहियात किताब पर कौन मुसलमान विश्वास करता होगा। 2.5 साल तक मैं धक्के खाता रहा। 2.5 साल कोई ऐसा जुम्मा शायद ही होगा जब मैंने किसी बड़े आलिम का खिताब नहीं सुना होगा, जहां मुझे पता चलता इनके बड़े मौलाना बोल रहे हैं मैं वही सुनना चाहता। संजय भाई बता नहीं सकता, जिस टाइम मौलाना बोलते थे ना, मेरे शरीर के अंदर से आग निकल रही होती थी। जब मुझे लगा कि मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम को समझ लिया, तब मुझे लगा कि ये धरती का कैंसर है, अगर इस कैंसर को नहीं हटाया गया तो धरती पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। क्योंकि हर मुसलमान के जेहन में जो चीज है, जो उनके मौलाना बताते हैं, जो दिखाते हैं, वो बताते हैं मेरी पत्नी को, वो बताते हैं मेरी बेटी को, वो बताते हैं मेरी छोटी बहन को, वो ये बताते हैं कि किस तरह से हमें मारकर हमारी संपत्ति और औरतों को उन्हें जीतना है, और उसके बाद वो बताते हैं जन्नत के ख्वाब दिखाते हैं। संजय भाई ये इतना घृणित है कि जो आदमी मदरसों में नहीं गया, जो मस्जिदों में गया नहीं, वो इस्लाम को समझ नहीं सकता। वीडियो की क्लिप देखकर या किताबें पढ़कर इस्लाम को समझा नहीं जा सकता। इस जहर को समझने के लिए एक एक मदरसे में जो हो रहा है उसे देखना पड़ेगा, एक एक मस्जिद में जो हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और जब आदमी मस्जिदों और मदरसों में देख लेगा, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, ज्यादातर हिंदू अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। मेरी IQ क्योंकि बहुत ऊपर के लेवल की थी, और मुझे, मैं पढ़ने लिखने में बहुत, मतलब मुझे भगवान की थोड़ी कोई, मतलब अहंकार से नहीं कह रहा आपको, मैं मतलब बताना गप नहीं मारना चाहता, लेकिन मेरा मानसिक स्तर अच्छा था तो मैं पागल नहीं हुआ। लेकिन एक आम आदमी यदि इस रिसर्च को ठीक से कर ले तो वो, वैसे तो मैं भी पागल ही माना जाता हूं, समाज ने मुझे पागल घोषित कर रखा है, लेकिन कोई भी आदमी यदि इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम ने जो हमारे साथ किया है, और जिस गर्व के साथ मौलाना उसे अपनी मस्जिदों में और मदरसों में बताते हैं, यदि कोई भी जीवित आदमी उसे सुन लेगा तो पागल हो जाएगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं हर उस हत्या का प्रतिकार लेना चाहता हूं, प्रतिशोध लेना चाहता हूं जो 1400 साल में मेरी बहन बेटियों की हुई है, जो मेरे भाइयों की हुई है, जो मेरे लोगों की हुई है। क्यों? क्योंकि उन हरामजादों को गर्व है उस पर, हरामजादे गर्व करते हैं मेरी बेटियों की लगी हुई मंडियों पर, वो गर्व करते हैं उन चिताओं पर जो मेरी बहन बेटियों को अपने आप जलानी पड़ी। शांत रहे, शांत। वो गर्व से बताते हैं कि उन्होंने सोमनाथ कैसे तोड़ा, वो गर्व से बताते हैं कि राम मंदिर कैसे टूटा, वो गर्व से बताते हैं कि उन्होंने हमारे मंदिरों के साथ क्या किया। और जब वो गर्व करते हैं तो वो सारी चिताएं यहां जलती हैं, यहां पर